मेरे साथ महाराज आपको मिले स्वादिष्ट खाने का। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित अरोरा और आज जैसे कि पता है हम सबको आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मुझे ऑफ मिला है शूट से, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं घर के खाने से आज़ादी लें। और जब घर के खाने से आज़ादी लेने की बात आती है और बाहर खाने का जब सोच में आता है, दिमाग में आता है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, महाराजा भोग। और मुझे लगता है कि आज इतना यमी यमी खाने को मिलने वाला है मुझे, और इससे बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। तो आज छुट्टी मनाते हैं महाराजा भोग के साथ। मुझे लगता है इंडिपेंडेंस डे जो है वो हर एक भारतीय, हर एक नागरिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी ये आज़ादी इतने आसानी से नहीं मिली, कितने बलिदान, कितने शहीद हुए हैं हमारे जवान, और आज हम यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं, चैन से सोते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं, जो हमारी वो सीमा पे हमारी जो सुरक्षा करते हैं, उनकी वजह से ही है। तो मुझे लगता है ये सबसे ख़ास दिन है हम सब के लिए, और इसको बहुत ख़ास दिन की तरह इसको जोश के साथ मनाना चाहिए। तो अंकित, खाने की अगर हम बात करें तो बचपन में आप इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते थे? स्कूल में एक तो इसी चीज़ की खुशी होती थी कि इंडिपेंडेंस डे है, तो हम कोई ना कोई कोई प्रोग्राम होता था, या तो हम कुछ, कभी हम गाना गाते थे, कभी कोई प्ले करते थे, फिर हमें इतना लड्डू मिलते थे खाने को बचपन की यही, और फिर हाफ डे हो जाता था, उसके बाद हम सब या तो स्कूल में क्रिकेट का कुछ मैच होता था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मेमोरीज़ हैं जो मुझे जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है तो मेरे जहन में सबसे पहले यही सारी मेमोरीज, अपने दोस्त, अपना बचपन, अपना स्कूल, ये सब याद आता है यार। मेरी पसंदीदा डिश है दाल चावल। मुझे लगता है कि एक तो सबसे इजी बन जाता है और उससे स्वादिष्ट कुछ है ही नहीं। और मुझे भिंडी भी बहुत पसंद है, मुझे राजमा चावल भी पसंद है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। वैसे तो मैं सभी खा लेता हूँ, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल भी देखा था, एक टाइम ऐसा था कि जो मिले खा लो, तो वो भी टाइम था। बट यार फेवरेट मुझे आज के टाइम पर इस वक्त दाल चावल। यस 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 प्लीज़, मैं तो वेट कर रहा हूँ।
अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन सब में से आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पनीर, पनीर मुझे बहुत पसंद है। पनीर मैं एनी टाइम कभी भी खा सकता हूँ। कड़ी ऑफ कोर्स, कड़ी मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी कड़ी रही है। मुझे बाजरा बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ को लेकर सोचते हुए खाते हैं। मुझे ये ढोकला पसंद है, ये बहुत डाइट में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और रसमलाई ऑफ कोर्स, मीठे का तो मैं वो हूँ, मेरे ख्याल से मीठा किसको पसंद नहीं होगा। हम बस कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करें कि नहीं खाएं डाइट की वजह से, लेकिन मुझे रसमलाई पसंद है। एक दो डिशेज़ हैं जो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, जो ऑफ कोर्स मुझे लग देख रहा है। बनाना होगा तो कौन सी डिश बनाएंगे आप इनमें से? मैं चपाती बहुत अच्छी बनाता हूँ तो वो तो मैं बना ही लूँगा। मैं ये ट्राई करूँगा, ये वो है ना ज्वार का, ये भी मेथी का पराठा भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। अंकित, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आपके लिए स्पेशल राइस है जो कि तीन कलर का है, जैसे कि हमारे देश का झंडा तीन कलर का है, तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि हमारे देश के खाने में भी हमारा झंडा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे यही तो हमारा खूबसूरती हमारे देश की है ना, यही हमारा कल्चर है कि देखिए खाने में भी देश की खुशबू, उसकी झलक दिख रही है, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। एक्साइटेड है आप ये राइस खाने के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख पहले मैं इसको मन भर के देख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये महाराज भोगी दिखा सकते हैं। और ये पालक है, ओके, एंड इट्स शेजवान टाइप ऑफ एंड इट्स नॉर्मल राइस, ओके, इसका इन लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है। ये भी क्रिएटिविटी है ना, ये सब आपकी वजह से दिख पाया मुझे। हाँ तो कहते हैं ना वो इंडिपेंडेंस डे मेरा सफल हो गया, फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे मैं एक्साइटेड हूँ। घर पे भी कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, अब इस चीज़ को मैं थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी भी दिखाऊंगा घर पे। ओके यस सर, थोड़ा थोड़ा सा सब ले लेते हैं। ये वाली डिश अब कढ़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतनी स्वादिष्ट भी है। अच्छा ये सब करना भी आसान नहीं है, मतलब पहले अपने सोच में लाना, फिर वैसा बनाना और उसमें कहीं कोई गलती ना हो जाए, बिकॉज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को उसमें, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैं ये आज यहाँ से सीख के जाऊँगा, जो अपने साथ लेके जाऊँगा। तो आप इन्जॉय करिए अपना राइस। सो अंकित, आई होप आपको मज़ा आया होगा इतना टेस्टी और यम्मी खाना खाकर। मेरा दिन बन गया, मुझे इतना यम्मी खाना मैंने लास्ट टाइम कब खाया था मुझे याद नहीं, और मुझे मैंने जैसे मैंने बोला कि महाराजा भोग से बेटर जगह कोई और हो ही नहीं सकती, प्रॉपर इंडियन फूड, और मैंने वो आज जो एक नई क्रिएटिविटी देखी इससे मेरा दिल खुश हो गया। मैं आशीष महेश्वरी जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं महाराजा भोग के, और उन्होंने मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खाने का मौका दिया, इतनी अच्छी चीज़ देखने का मौका दिया, और मेरा दिन बन गया आज। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आने वाले टाइम पे आप ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज हमारे साथ करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इतना मज़ा आया स्टोरी करने में, और हम आगे ज़रूर अच्छी अच्छी स्टोरी साथ में करेंगे, और लोगों को भी, ऑडियंस को भी, मेरे फैंस लोग जो देखना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा मेरे साथ। उनके लिए मैसेज, उनको तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। मुझे इंडस्ट्री में आज ऑलमोस्ट 18-20 साल हो गए, मैंने इतना शो किया और मेरे हर एक काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मेरे हर एक चीज़ पे उन्होंने मुझे प्यार दिया है, और ऐसे ही प्यार दें, ऐसे ही अप्रिसिएशन दें, और ऐसे ही मेरा साथ दें, बस मैं यही चाहता हूँ। और सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अंकित अरोरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA। थैंक यू।